नवंबर को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक रैली पर हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग के दौरान इमरान खान के पैर में गोली लग गई और उनके कई समर्थक घायल हो गए। गोली चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर की जानकारी देते हुए कई मीडिया चैनल्स ने घायल इमरान खान की दो तस्वीरें शेयर की। पहली तस्वीर में इमरान खान लेटे हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में उनके चेहरे से खून बहता हुआ दिख रहा है। न्यूज 24, NDTV, टाइम्स नाउ नव भारत, ET नाउ स्वदेश, जी सलाम, न्यूज 1 इंडिया, जी दिल्ली NCR हरियाणा इत्यादि ये तस्वीरें शेयर करने वालों की लिस्ट में शामिल है। न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने अपने शो आर पार का एक पोस्टर शेयर किया जिसमें घायल इमरान खान की एक तस्वीर है। इसके अलावा कई पत्रकारों ने भी इस खबर की जानकारी देते हुए एक तस्वीर शेयर की, जिनमें अभिषेक तिवारी, इंडिया TV के मैनेजर जयराम पटेल, स्वतंत्र पत्रकार आशीष भट्ट और दैनिक भास्कर से जुड़े तरुण शर्मा शामिल हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में द न्यूयॉर्क टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट, द गार्डियन और CNN ने भी इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया, जबकि ये दोनों ही तस्वीरें पुरानी हैं और इनका हालिया घटना से कोई संबंध नहीं है। पहली तस्वीर को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च करने से हमें इमरान खान के 17 अगस्त 2014 के ट्वीट में यही फोटो मिली। इमरान खान ने लिखा है कि ये किसी धरने की तस्वीर है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने उस वक्त देश में राजनीतिक अस्थिरता समेत कई मुद्दों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और ये उसी प्रोटेस्ट की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च करने पर मालूम हुआ कि इसे 2018 से गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। उस वक्त इस तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा था कि इमरान खान को गोली मार दी गई। ऑल न्यूज़ ने भी इस बारे में एक फैक्ट चेक रिपोर्ट उस वक्त पब्लिश की थी। असल में ये तस्वीर 2013 की है, जब लाहौर में एक चुनावी रैली के दौरान फोकलिफ्ट से गिरने के बाद इमरान खान के सिर में चोट लग गई थी। यानी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया सहित कई पत्रकारों ने इमरान खान की पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल उनके घायल होने की जानकारी देने के लिए की।